हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रैंड विटारा सिग्मा, जो कि इसका बेस मॉडल है। आप देख सकते हैं इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, बट इसमें कोई स्क्रीन और म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। ये स्क्रीन जो है ये 9 इंच की, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है गाड़ी की। बेसिकली इसमें आपकी वारंटी भी वर्ड नहीं होगी। रीजन बिहाइंड, ये कपलर टू कपलर लगी है बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी लग रही है स्क्रीन इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑडियो के, लेफ्ट साइड में। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता राइट साइड में। पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है बेस मॉडल से ही आपको। और ये आपके ORVMs फोल्डेबल मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन। और ये लॉक अनलॉक, और ये आपके विंडोज के बटन। ये ऑटोमेटिक विंडो आ जाती है ड्राइविंग साइड की। और इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। ये भी आपको एसेसरीज में लगवाया हुआ है ये, और आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर। इसमें ऑटोमेटिक AC आ जाता है बेस मॉडल से ही, और आपका यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है बेस मॉडल से ही। ये आप देख सकते हो एडजस्टेबल है, इसमें ये स्पेस मिल जाएगी आपको, इतनी डिसेंट स्पेस है काफ़ी। ये लेदराइज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स आ जाएगा, जिसमें डिसेंट स्पेस आएगी काफ़ी। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है ग्लव बॉक्स में भी। ये आपका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है बेस मॉडल का। ये आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, ये प्लास्टिक मिलेगा साइड का पूरा। इसको आप कस्टमाइज करवा सकते हैं इधर, अगर ब्लैक रैप हो जाए सॉफ्ट टच, तो ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक दे देगा। तो ये वैल्यू फॉर मनी का आ रहा है बेस मॉडल, काफ़ी अच्छी लुक है। सब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इसमें बेस में ही दे दिए गए हैं। काफ़ी वेटिंग भी है इस गाड़ी पे, आप देख सकते हो इस तरीके की है ये इंटीरियर इसका। ये शेड्स आपको एसेसरीज में मिल जाएंगे। और इसकी सीट पीछे की इस तरीके की है कुछ, देख सकते हैं। इसमें सेंटर में आर्मरेस्ट भी आ जाता है, बैक में भी बेस मॉडल से ही। इसमें गाइज आपको यहाँ पे ORVM मिल जाता है, जो ऑटोमेटिक नहीं आता बेस में। यहाँ पे आपको 2 येलो लाइट्स मिल जाती हैं ऊपर, देख सकते हैं। और इधर आपको मिरर मिल जाएगा एक, इसमें भी लाइट नहीं आती है बेस मॉडल में। और इस साइड भी मिरर मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं, बट इसमें भी लाइट नहीं आती है। कुछ इस तरीके का इंटीरियर है बेस मॉडल का। इसमें बेसिकली आप सिर्फ स्क्रीन लगवाएंगे तो ये पूरा ओके आपका फुल्ली लोडेड हो जाएगी गाड़ी। 2 स्पीकर्स ऑलरेडी आते हैं कार में, 2 स्पीकर और लगवाएंगे और 1 स्क्रीन लगवाएंगे तो ये फुल्ली लोडेड। इसमें और कुछ करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है गाड़ी में। ये आपका बेस मॉडल है, इसी में पुश स्टार्ट बटन भी आ जाता है आपका, आप देख सकते हो। बहुत ही मतलब वैल्यू फॉर मनी है बेस मॉडल ग्रैंड विटारा का, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसका एक्सटीरियर की। अगर एक्सटीरियर में हम चले इसके, ड्राइवर साइड कीलेस एंट्री मिल जाती है, ये आप देख सकते हो। साइड बीटिंग क्रोम ये एक्सेसरीज में आपको मिल जाएगी। और आप देखोगे इधर तो 18 इंच के अलॉय व्हील्स जो हैं कार ओनर ने लगवाए हैं, और वैसे कार के साथ 17 इंच के आते हैं, ये 18 इंच के जो हैं अलॉयज इंस्टॉल करवाए हैं। और ये आप देख सकते हो ORVMs पे क्रोम जो है ये भी आपको एक्सेसरीज में मिल जाएगा। इंडिकेटर आ जाएगा साइड ORVMs पे, और आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है गाड़ी की बेस मॉडल की। ये फ्रंट में आप देख सकते हो हेडलाइट के ये अराउंड आपको क्रोम ये भी एक्सेसरीज में मिल जाएगा। आगे ये भी ग्रिल जो है एक्सेसरीज में मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल कार इज रियली गुड, बहुत ही प्रीमियम आपको लुक देगी। बेस मॉडल से ही सब कुछ आ जाता है गाइज इसमें, ये आप देख सकते हो। इसका सारा क्रोम का काम ये एक्सेसरीज में आपको मिल जाएगा। ये साइड बीडिंग और आपके जो एक क्लैडिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है कार में ही। और ये बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हो टेल लाइट के नीचे क्रोम, और आपको ये वाला क्रोम, ये सब जो है एक्सेसरीज में मिल जाएगा। ये आपको ये भी एक्सेसरीज में क्रोम मिलेगा, ये इंडिकेटर्स पे क्रोम ये भी एक्सेसरीज में मिल जाएगा। बाकी बेस मॉडल में ओवरऑल सब कुछ आ जाता है गाड़ी में, बट आप क्रोम का सिर्फ थोड़ा बहुत करवा सकते हैं, एलॉयज लगवा सकते हैं, और आफ्टर मार्केट अगर स्क्रीन और स्पीकर्स लगवा लेंगे तो ओवरऑल कार इज़ रियली गुड। फुल्ली लोडेड कार है, बेस मॉडल से ही सब कुछ आ जाता है गाड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ये थी ग्रैंड विटारा सिग्मा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।